तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में नाइकी न्यू बाइक का टीजर पोस्टर जो है तो वो देखने को मिला है विद लॉन्च डेट। वैसे आप लोग देख ही सकते होंगे कि ये जो बाइक है ना तो ये भाई नेकेड बाइक की तरह देखने में लग रहा है, क्योंकि भाई इसका जो फ्यूल टैंक है ना तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सपोज तो है ही। बाकी है ये जो बाइक है तो इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये भाई एक मोस्ट एफोर्डेबल या फिर मोर एफोर्डेबल वाला बाइक होने वाला है आज के डेट के TM के स्पीड 400 के मुकाबले। तो मैं हूं कौन-कौन मुकार, आप देख रहे हो कौन-कौन ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों अगर सच बताऊं तो भाई कि न्यू जो टीजर पोस्टर है ना तो वो देखने को मिल चुका है, जैसे कि देख ही सकते होंगे आपके सामने है और इसके ऊपर TRIUMPH तो लिखा ही हुआ है। वैसे इसी टीजर पोस्टर के ही अंदर जो आप लोग बाइक देख रहे हो ना तो ये तो एक नेकेड बाइक डेफिनेटली है, क्योंकि इसका जो टैंक है ना तो ये बहुत ज्यादा एक्सपोज है। और इसके अलावा एक और भी चीज जो कि ये जो बाइक है ना तो इसके अंदर आपको जो इंजिन देखने को मिल रहा है ना तो ये भाई आज के डेट का जो TRIUMPH का स्पीड 400 या फिर स्क्रैम्बलर 400 वाला जो मॉडल है तो उसके ही तरह कुछ देखने में तो लग रहा है। और वैसे आपको बता दूं कि ये जो टीजर पोस्टर जब से भाई आया है ना सोशल मीडिया पे तो तब से भाई बहुत सारे लोगों का कुछ ऐसा ही कहना है कि भाई ये जो टीजर पोस्टर के अंदर जो बाइक है ना तो ये मोस्ट अफोर्डेबल या फिर मोर अफोर्डेबल वाला बाइक होने वाले है आज के डेट के TRIUMPH के स्पीड 400 या फिर स्क्रैम्बलर 400। असल में बात जो है ना तो वो कुछ यही बोला जा रहा है कि ये जो TRIUMPH कंपनी है ना तो ये भाई बहुत दिनों पहले से ही बहुत बड़े बड़े सीसी का इंजन जो है ना तो वो बना रहा है अपने बाइक्स के लिए। तो इसी वजह से इसी इंडियन मार्केट के अंदर ना शायद से आप लोग जानते होंगे TRIUMPH कंपनी का, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी बाइक का। लेकिन भाई TRIUMPH कंपनी के जो भाई बाइक्स है ना तो उनको क्या चला है अपने कभी नहीं भाई, वो अपने नहीं चला है। तो इसी वजह से यही एक तो जॉइंट वेंचर था ना जिसके वजह से TRIUMPH कंपनी और बजाज कंपनी मिलकर ये स्पीड 400 और ये जो स्क्रैम्बलर 400X करके जो मॉडल है ना तो इसको लॉन्च किया, ताकि भाई हम सभी के लिए जो खरीदने में जो आसानी है ना वो हो सके। और अभी में बात कुछ ऐसा ही है कि भाई ये जो कुछ खरीदने में आसानी वाला जो मैं बोल रहा हूँ ना तो ये और भी ज्यादा आसान होने वाला है, ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि भाई बात कुछ ऐसी है कि ये जो TRIUMPH कंपनी का आज के रेट का जो स्क्रैम्बलर 400 या फिर स्पीड 400 वाला जो मॉडल है ना तो उसके भी अंदर और भी ज्यादा जो कॉस्ट कटिंग है ना तो वो किए जाने वाले है। और साथ में एक और भी चीज बोला जा रहा है कि जो न्यू स्क्रैम्बलर 400 या फिर जो भाई स्पीड 400 न्यू जो आने वाला है ना तो उसके अंदर आपको देखने को मिलने है जो लाइट्स का सेटअप तो ये मोर अफोर्डेबल या फिर मोस्ट अफोर्डेबल होने के चक्कर में बोला तो ये भी जा रहा है, तो वो हैलोजन वाले के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और साथ में एक और भी चीज बोला जा रहा है कि जो न्यू वाला TRIUMPH का स्पीड 400 जो अभी आएगा ना तो उसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं जो ब्रेकिंग सिस्टम, तो उसके अंदर भी कुछ ऐसा चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाला है। मतलब कि डिस्क ब्रेक के साथ में डुअल चैनल ABS देखने को मिलने वाले हैं पहले की तरह ही, साथ में भी USD सस्पेंशन सेटअप जो है ना तो वो सामने देखने को मिलेगा मतलब TRIUMPH के ही स्पीड 400 वाले न्यू मॉडल में। और पीछे जो है ना तो वो भी मोशन अब्जॉर्बर भी देखने को मिलने वाले हैं पहले वाले के तरह ही। और इसके अलावा एक और भी चीज बोला जा रहा है कि जो TRIUMPH कंपनी का न्यू जो भाई स्पीड 400 वाला मॉडल जो भी आएगा ना तो उसके अंदर भी जो आपको देखने को मिलने वाला है जो ट्रैक्शन कंट्रोल वाला जो फीचर है तो वो शायद से अभी नहीं देखने को मिलेगा। मतलब पहले के वाले मॉडल में जो है ना तो वो तो देखने को मिलता था TRIUMPH के ही भाई ये स्पीड 400 में, लेकिन अभी मोस्ट अफोर्डेबल या फिर मोर अफोर्डेबल बनने के चक्कर में ना ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल वाला जो फीचर है तो ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई हट सकता है बाइक से। बाकी तो भाई न्यू वाले मॉडल में भी जो आपको मीटर कंसोल है ना तो वो आपको पहले के तरह ही देखने को मिलने वाले हैं, मतलब कि एक पूरे ही तरीके से डिजिटल तो नहीं लेकिन एक सेमी डिजिटल जैसे ही देख ही सकते होंगे, जिसके अंदर आपको ये ऑटो मीटर ट्रिप मीटर वगैरह जो भी ये है ना तो यही कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है मतलब मोस्ट अफोर्डेबल के चक्कर में। और इसके अलावा एक और भी चीज जो कि TRIUMPH कंपनी का न्यू जो स्पीड 400 वाला मॉडल आएगा ना तो उसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है जो इंजन तो वो पहले के तरह ही देखने को मिलेगा, जो कि एक सिंगल सिलेंडर वाला एक 400cc वाला लिक्विड कूल इंजन होने वाला है 4 valve वाला, जो कि मैक्सिमम पावर जो है ना तो वो आपको देखने को मिलने वाला है 400cc कैटेगरी के ही अंदर 39.5 bhp, और जो आपको मैक्सिमम टॉर्क है ना तो वो भी 37.5 Nm तक देखने को मिलने वाले हैं। साथ में भाई आपको देखने को मिलेगा 6-speed का गियर बॉक्स विद असिस्टेंस ट्रिपल क्लच वाला फीचर। और हाँ बोला कुछ यही जा रहा है कि भाई 5 से लेके 20,000 के अंदर अंदर जो भाई और ज्यादा कीमत जो घटने वाला है ना न्यू बाइक में तो वो आपको देखने को मिल सकता है न्यू TRIUMPH के ही भाई स्पीड 400 या
फिर नेकेड बाइक में, जो कि आप लोग अभी टीजर पोस्टर में देख रहे हो। और हाँ, इसका जो लॉन्च डेट है ना, तो वो है सितंबर 17 को। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियो हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।